दोस्तों, क्या आप ऐसे मंदिर के बारे में जानते हैं जहां स्थापित भगवान की मूर्ति के अंदर असली धड़कता हुआ दिल है और इस मंदिर का झंडा हमेशा हवा के उल्टा ही लहराता है। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सच है। हिंदू धर्म के भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी को ही भगवान जगन्नाथ कहते हैं। तो चलिए विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के बारे में उन 10 रोचक तथ्यों को जानते हैं जिनके पीछे का सच आज भी कई सारे विज्ञान से जुड़े लोगों को पता नहीं चल पाया है। फैक्ट नंबर 10, भगवान जगन्नाथ मंदिर के सबसे ऊपर स्थापित ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है और ऐसा किन कारणों से होता है इसका पता अभी तक नहीं लगाया गया है। वहीं इस झंडे को प्रत्येक दिन बदलने का भी नियम है। कहा यह भी जाता है कि अगर किसी एक दिन भी झंडा को ना बदला जाए तो मंदिर 18 सालों तक बंद हो जाएगा। फैक्ट नंबर 9, 4 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैले इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है और इस मंदिर के सामने खड़े होकर इसके गुंबद को देख पाना लगभग पूरी तरह से असंभव है क्योंकि इसके गुंबद की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है, जो कि एक रहस्य बना हुआ है। फैक्ट नंबर 8, मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है जो कि अष्ट धात का बनाया गया है और कहा जाता है कि यह सुदर्शन चक्र बहुत ही ज्यादा पवित्र है और साथ ही इस चकली की बनावट इस तरह से है कि आप इसे किसी भी दिशा से देखो या आपको हमेशा सीधी ही दिखाई पड़ेगी और आप इसे पूरी में कहीं से भी आसानी से देख सकते हो। फैक्ट नंबर 7, बाकी जगहों पर समुद्र से हवा जमीन की ओर आती है लेकिन अगर आप पूरी में हैं तो आप देखोगे कि जमीन से समुद्र की ओर हवा जाती है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आप आमतौर पर देखेंगे किसी भी मंदिर, मस्जिद या चर्च पर तो वहाँ पर आपको अक्सर मंदिर मस्जिद के ऊपर चिड़िया बैठते दिख जाएंगी लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कभी भी किसी भी पक्षी को उड़ते हुए या बैठते हुए नहीं देखा गया है। और एक संयोग यह भी है कि उस मंदिर के ऊपर से किसी भी हवाई जहाज का रास्ता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर नो फ्लाइंग जोन किया हुआ है, यह बस खुद पे खुद एक ऐसा कोइंसिडेंस हो गया है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आप यह जानकर हैरान होंगे कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगा ध्वज यानी कि झंडा हर शाम को बदल जाता है। जो भी व्यक्ति झंडा बदलने जाता है उसे उल्टे पैर मंदिर के ऊपर चढ़कर झंडे को बदलना होता है। दोस्तों ध्वज इतना भव्य दिखने में लगता है, जब भी यह लहराता है लोग बस इसे देखते रहते हैं। साथ ही ध्वज में शिव जी का चंद्र भी बना हुआ है। फैक्ट नंबर 4, कहा गया है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई भी है। इस रसोई में 500 रसोई और 300 उनके सहकर्मी काम करते हैं। इनसे जुड़ी एक बहुत बड़ा रहस्य भी है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त भी क्यों ना आ जाएं, बट यहाँ का प्रसाद घटता ही नहीं और जब मंदिर बंद होने वाला रहता है तब तक पूरा प्रसाद खत्म हो जाता है, यानी जो आखिरी प्रसाद बचता है उसको लेने कोई ना कोई व्यक्ति आ ही जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस मंदिर का थोड़ा सा भी प्रसाद बच गया हो, ऐसा जानबूझकर नहीं, बस संयोग में ही हो जाता है। फैक्ट नंबर 3, यहाँ पर बनाए गए प्रसाद लकड़ी के चूल्हे में बनाए जाते हैं। यह प्रसाद कुल 7 बर्तनों में बनाए जाते हैं। इन 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक सीधा रखा जाता है, यानी कि 7 बर्तन एक चूल्हे पर एक साथ रखे होते हैं। और सबसे अचंभित बात यह है कि इन बर्तनों में से सबसे ऊपर जो बर्तन रखा होता है उनमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है, उसके बाद उसके नीचे और फिर उसके नीचे। अंत में जो सबसे नीचे बर्तन रखा हुआ होता है, यानी जिस बर्तन पर चूल्हे की आग लगती है, जिसे सबसे पहले पकना चाहिए, उसी बर्तन के प्रसाद सबसे अंत में बनते हैं। फैक्ट नंबर 2, आप मंदिर के अंदर सिंह द्वार के जरिए ही प्रवेश कर सकते हैं और यहाँ अचंभित करने वाली बात यह है कि जब आप सिंह द्वार के बाहर होते हैं तब आपको समुद्र की भारी शोर सुनाई देती है, लेकिन आप जब जैसे ही सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं बाहर की सभी आवाज आना बंद हो जाती है और यह भी अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। फैक्ट नंबर 1, जगन्नाथ मंदिर में स्थापित तीनों मूर्तियों को हर 12 साल में एक बार बदला जाता है लेकिन वह मूर्तियाँ लकड़ी की बनाई जाती हैं और जब भी मूर्तियाँ बदली जाती हैं तब पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और मंदिर के चारों ओर पूरा अंधेरा कर दिया जाता है और मंदिर के चारों ओर CRPF के जवान तैनात कर दिए जाते हैं और मंदिर के अंदर सिर्फ मूर्ति बदलने वाला पुजारी ही जा सकता है। सो गाइस, यह रहा जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले रोचक तथ्य। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा।